2011 का वर्ल्ड कप फाइनल जो खेला गया था मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में, और इस वानखेड़े स्टेडियम में फिलहाल जो है फिलहाल पहुंच गया है इंडिया और श्रीलंका, दोनों टीम ही पहुंच गया है वानखेड़े स्टेडियम में। और इस स्टेडियम में जो इस बार सचिन का एक स्टैचू लगाया गया है, जो सचिन का स्टैचू है उसका ओपनिंग डे था आज, और आज ओपनिंग डे के दिन जो इंडिया का प्लेयर है वो भी शामिल था, और इंडिया का प्लेयर ने जमकर अभ्यास भी किया है इस मैदान पे। और इसी बीच जो स्कूल का स्टूडेंट भी आया था इस मैदान पे, और उन लोगों के साथ जो इंडिया का टीम बहुत टाइम तक स्पेंड किया है उन लोगों के साथ, और उन लोगों के साथ क्रिकेट खेला, उन लोगों के साथ मस्ती की, उन लोगों के साथ पिक्चर वगैरह भी खींचा है। यानी जो 2011 का वर्ल्ड कप था वानखेड़े स्टेडियम में, उस स्टेडियम में जब धोनी ने सिक्स मार के जो इंडिया को जिताया था, वो मैच तो शायद हर इंडियन की दिमाग में बैठे हुए है। और इस बार इसी मैदान पे ही होने वाला है श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच और एक मुकाबला, और इस मैच को देखते हुए दोनों ही टीम ने अपना अपना रणनीति भी बना रहा है। बट जो इंडिया है, इंडिया फिलहाल जो है बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और श्रीलंका ऑलरेडी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। और इसको देखते हुए जो इंडिया का प्लेइंग एलेवन जो लास्ट मैच में था वो ही रहेगा, और श्रीलंका का जो प्लेइंग एलेवन है वो भी शायद लास्ट मैच में जो था वो ही रहेगा। और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है जो 2011 का वर्ल्ड कप है उसका यादें फिर बहुत ताज़ा हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो इस बार का वर्ल्ड कप है वो इंडिया तो ज़रूर लेगा या नहीं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।